राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, जिलाधिकारी कार्यालय के पार्किंग से चोरों ने उड़ाया जिलाधिकारी कार्यालय की सरकारी कर्मचारी के दो पहिया वाहन का अगला चक्का। आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्टर कैंपस में खड़ी बाइक से चोरों ने उड़ाया चक्का। पुलिस प्रशासन के आंखों के सामने चोरों ने बाइक की चक्के को आराम से खोलकर अपचक्कर हो गया। पूरा मामला जिलाधिकारी कार्यालय पर कार्यरत कर्मचारी ऑफिस का काम खत्म करके जब नीचे अपनी बाइक के पास आया तो उसके होश ही उड़ गए। जिलाधिकारी कार्यालय कैंपस में दर्जनों की संख्या में लगे होमगार्ड की आंखों में धूल झोंक कर साथी चोर कामयाब रहा। कलेक्टर कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरा सिर्फ दिखाने के लिए है कि आप कैमरे की नजर में हैं। ये पहला हादसा नहीं है, पूर्व में भी कई बार जिलाधिकारी कार्यालय कैंपस से चोरी हुई बाइक जिसका आज तक पुलिस पता नहीं लगा पाई। सोचने वाली बात है कि पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने ही साथी चोर ने रिंच लगाकर आराम से चक्का खोलकर फरार पुलिस झक मार कर देखती रही। चोर सिपाही का खेल कब तक चलेगा, ये तो भविष्य के अधिकार में है। सरकारी कर्मचारी ने शासन प्रशासन की बेइज्जती के डर से बयान देने से किया इनकार। आइए देखें योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। इतनी देर खोला होगा, कोई किया होगा, कुछ समय लगा होगा, नहीं लगा होगा, 20-25 घंटे का खोल है। आपको बता रहा हूँ, देखते होंगे 25-30 गाड़ियाँ ले जाते हैं, आपके तहसील से लेकर के बैंक से लेकर के बाहर से लेकर के यहाँ से इसके अंदर से भी ले जाता हूँ और इनको भी करता हूँ। यहाँ कर रहे अभी लोग पीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।